हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेट इंडियन खजाना। दोस्तों, अगर आप लोग फ्लाइट से सफर करने जा रहे हैं तो एक बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ लेनी है। सभी स्टेट ने अपने हेल्थ प्रोटोकॉल रूल बनाए हुए हैं और ये जो हेल्थ प्रोटोकॉल रूल है वो सभी स्टेट के अलग अलग हैं। अब आप लोग जिस शहर में जा रहे हैं, वो शहर जिस स्टेट में पड़ रहा है, आपको उस स्टेट के हेल्थ प्रोटोकॉल रूल फॉलो करना कंपलसरी है। इसे एक एग्जांपल से समझ लीजिए। आप जा रहे हैं बैंगलोर से मुंबई, तो मुंबई पड़ता है महाराष्ट्र स्टेट में। तो जब आप मुंबई शहर पहुंचेंगे तो आपको महाराष्ट्र स्टेट के जो भी हेल्थ प्रोटोकॉल रूल है उसे फॉलो करना जरूरी है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ आपके स्टेट के हेल्थ प्रोटोकॉल रूल, इसलिए प्लीज ये वीडियो आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप एयर ट्रेवल करते हुए मध्य प्रदेश स्टेट में आ रहे हैं तो आपको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाए हुए हेल्थ प्रोटोकॉल रूल का पालन करना अनिवार्य है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताने जा रही हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्या क्या हेल्थ प्रोटोकॉल रूल बनाए गए हैं। तो जो लोग एयर ट्रेवल करते हुए मध्य प्रदेश स्टेट में आएंगे, पहले उनका मेडिकल परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद उनके अंदर जो भी लक्षण पाए जाएंगे उसके अनुरूप उनको आइसोलेशन में भर्ती किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आइसोलेशन की पूरी डिटेल दी गई है। तो जो भी लोग एरोप्लेन से आएंगे मध्य प्रदेश स्टेट में, उन पैसेंजर्स का सभी का अराइविंग पर और डिपार्चर के टाइम, मतलब जब वो फ्लाइट में बैठेंगे और जब फ्लाइट से उतरेंगे, दोनों टाइम उनका चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा और उनको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना होगा। उस फॉर्म में उनकी पर्सनल डिटेल, मोबाइल नंबर और उनका जो भी स्थायी निवास पता है वो सब उनको बताना कंपलसरी है। उसके बाद उन्हें निर्धारित स्वास्थ्य काउंटर पर भेजा जाएगा, वहाँ पर उनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा, थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाएगी। थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान अगर किसी के अंदर कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं तो ऐसे यात्रियों का कोविड-19 टेस्ट कराया जाएगा और अगर जांच में वो नेगेटिव आता है तो उनको भेज दिया जाएगा घर पर, और अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो ऐसे यात्री को अनिवार्य रूप से लक्षणों के आधार पर निर्धारित कोविड केयर सेंटर या फिर डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर पर आइसोलेशन किया जाना होगा। और अगर किसी का कोविड-19 पॉजिटिव आता है तो ऐसे यात्रियों को अनिवार्य रूप से जो उनके लक्षण है उसके आधार पर जो भी कोविड केयर सेंटर निर्धारित किए गए हैं या डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर निर्धारित किए गए हैं वहाँ पर उनको आइसोलेशन के लिए भेजा जाएगा और वहाँ पर उनको 10 दिन तक आइसोलेशन में रखा जाएगा। उसके बाद उनका फिर से मेडिकल चेकअप किया जाएगा और अगर 3 दिन तक उनके अंदर कोई लक्षण नहीं पाए जाते हैं तो उनके आइसोलेशन की अवधि समाप्त कर दी जाएगी, लेकिन उसके बाद उनको घर पर 7 दिन तक आइसोलेशन में रहना होगा। पैसेंजर्स की जब हेल्थ चेकअप की प्रक्रिया चलेगी तो उनको निर्धारित क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा और इस दौरान इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके मोबाइल फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप होनी चाहिए जिससे उनकी मॉनिटरिंग की जा सके। अब ऐसे यात्री जो उस जिले के निवासी नहीं है तथा वो अन्य किसी जिले में जा रहे हैं जहाँ उनका घर है, तो उन पैसेंजर्स के डिटेल जो उस जिले के कलेक्टर्स हैं उनको दे दी जाएगी। तो ये थे मध्य प्रदेश के हेल्थ प्रोटोकॉल रूल, जिसमें अगर आपके अंदर कोई लक्षण पाए जाते हैं तभी आपको आइसोलेशन पर जाना होगा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो यूजफुल है तो इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।